बेगूसराय के काली स्थान मंदिर में आक्रोशित टीईटी शिक्षकों ने सरकार को सद्बुद्धि के लिए हवन का कार्यक्रम आयोजित किया। हवन के बाद शिक्षकों ने एक प्रतिरोध सभा भी आयोजित की। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपुर के जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा ने कहा कि विभाग के धमकी भरे फरमानों से शिक्षक डरने वाला नहीं है। सरकार शिक्षकों की हड़ताल से बौखलाई हुई है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर हमला बोलकर सरकार कानून को ताक पर रखकर उलझुल फरमान और तानाशाहीपूर्ण आदेश निकाल रही है। समानता के संवैधानिक हकों के लिए लड़ रहे शिक्षक हड़ताल पर डटे हुए हैं। पटना जिला में शिक्षकों की बर्खास्तगी का पत्र विभाग को अवलंबन वापस ले, अन्यथा शिक्षकों का आंदोलन और तेज होगा। अपने समान काम, समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा, सरकारी कर्मी का दर्जा और नियमित शिक्षकों की तरह से हूबहू सेवा शर्त की मांग को लेकर लगातार पिछले जुलाई माह से बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैठक तले आंदोलनरत हैं। हमने सरकार को बारंबार अपनी मांगों के प्रति विचार करने का आग्रह किया, लेकिन सरकार के शिक्षा विरोधी संवेदनहीन रवैये से क्षुब्ध होकर स्टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बिहार इकाई BRSS जो शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति है उसके बैनर तले 17 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, सरकार जितनी भी दमनात्मक कार्रवाई कर ले, हम तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमें समान काम का समान वेतन नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन बिहार के 72,000 विद्यालयों में तालाबंदी का कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। आज का कार्यक्रम क्यों है? आज का कार्यक्रम हम लोग आज के इस हवन यज्ञ के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की सद्बुद्धि की कामना करते हैं, ताकि बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा, शिक्षक और छात्रों के हित में वो आवश्यक कदम अविलंब उठाएं। इसीलिए हम लोगों ने सद्बुद्धि हवन यज्ञ का आयोजन किया। क्या नाम? ज्ञान प्रकाश, जिला महासचिव, टीटी एसटीटी नियोजित शिक्षक संघ।